नमस्कार, मैं वसंत रावल, ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर हमारी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताने आया हूं कुंभ लग्न के अंदर केतु का 12 भाव में फल। लग्नाधिपति शनि का मित्र होने के नाते काफी जगहों पर अच्छा भी फल देगा, जैसे कि तीसरा स्थान, छठवां स्थान, दसवां, ग्यारहवां स्थान, इन स्थानों में केतु बहुत अच्छा फल देगा। राहु केतु नाम के राक्षस को विष्णु भगवान ने चक्र से छेदन किया। राहु यानी कि सर, केतु यानी कि धड़। शुभता के साथ मिल जाए तो शुभता में वृद्धि करता है, अशुभता में मिल जाए तो अशुभता में वृद्धि करता है। केतु की भी तीन वक्री दृष्टि होती है, पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि होती है। और ये सारी बातों का फल कब मिलेगा? जब केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा और सूक्ष्म दशा आएगी तब ये सारी बातों का फल मिलेगा। तो आइए देखते हैं आपकी कुंडली में, आपके घर वालों की कुंडली में या किसी की भी कुंडली में, अगर यहाँ पे 11 नंबर लिखा है तो समझ जाना कुंभ लग्न की कुंडली है। लग्न में केतु हो तो बंदा दिखने में सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व, तेजस्वी, प्रभावशाली, दिमाग से चालाक, चतुर, होशियार, सुंदर मुखाकृति, तबीयत से थोड़ा नरम गरम, चेहरे पे या फिर शरीर पे मार का निशान हो सकता है। ऐसे लोगों को पानी का घात, अकस्मात की संभावना बनती है और कूटनीति का उपयोग करते हैं। केतु की दृष्टि यहां होने के वजह से बच्चों के सुख में देरी हो सकती है या बच्चों की चिंता लगी रहती है, पत्नी से मनमुटाव करवाता है, भाग्योदय में देरी होती है। केतु अगर दूसरे भाव में हो तो कुटुंब बड़ा हो सकता है, कुटुंब का सुख मध्यम रह सकता है, लेकिन कुटुंब के सभ्यों के साथ मतभेद, टकराव, खिटपिट रहता है, कुटुंब से दूर रहने का योग बनता है। ऐसे लोगों को अपने रिलेटिव्स लोगों से थोड़ा कम बनता है। दांत में सड़न देखी गई है, आंखें कमजोर देखी गई है, वाणी में कटुता, टॉन्ट रहता है, लेकिन जब अपना काम निकालना हो तो बड़ी मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकाल लेते हैं। केतु की दृष्टि यहां होने की वजह से पेट खराब, शत्रु पक्ष ज्यादा, केतु की दृष्टि यहां होने की वजह से वाहन अकस्मात का योग और व्यापार के अंदर उतार चढ़ाव होता रहता है। केतु तीसरे भाव में हो तो यहाँ पे अच्छा फल देते हुए देखा गया है। बंदा मेहनतु, पराक्रमी, साहसिक, धीरजवान, गंभीर होता है और धन कमाने के लिए बहुत ज्यादा प्रवास करना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, तब जाके धन कमाने के योग बनते हैं, छोटे मोटे प्रवास करने के भी योग बनते हैं। भाई बहनों से मतभेद और टकराव होता है, लेकिन हाँ, लिखा पढ़ी के काम से इन लोगों को फायदा होता है। केतु की दृष्टि यहां होने की वजह से पत्नी से मनमुटाव होता है, ऐसे लोगों को पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 38 साल के बाद भाग्योदय होता है और बड़े भाई और मित्रों से मनमुटाव होता है। केतु अगर चौथे भाव में हो तो यहाँ पे नीच राशि का हो जाता है, बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। माता का सुख मध्यम, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख देरी से मिलता है। ऐसे लोगों के घर में वास्तु दोष भी देखा गया है, तो घर खरीदते समय वास्तु का परीक्षण निरीक्षण करके मकान खरीदना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने नाम पे मकान और वाहन गलती से भी न खरीदे, वरना उसमें बहुत सारी दिक्कतें या तकलीफें आ सकती है, या फिर कायदा कानून, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी खड़े हो सकते हैं। केतु की दृष्टि यहां होने की वजह से वाहन अकस्मात योग और गुड विद्याओं में रसिक होते हैं। व्यापार के अंदर उतार चढ़ाव देखे गए हैं और धन कमाने के लिए धन घर से दूर जाना पड़ सकता है, विदेश जाके धन कमाने के योग बनते हैं, या फिर जन्म स्थान से दूर जाने से उनका भाग्योदय होता है। केतु अगर पंचम भाव में बैठा हो तो यहां पे भी नीच राशि का हो जाता है, बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। पढ़ाई में रुकावटें आएगी, संतान सुख में देरी हो सकती है, या फिर संतान से हमेशा मतभेद या टकराव बना रह सकता है। मानसिक दृष्टि से बहुत अशांत रहते हैं, प्रेम में निष्फलता मिलने के योग होते हैं, मन बड़ा चंचल, अशांत और नेगेटिव थिंकिंग को अपनाने वाला होता है। अंधश्रद्धा में ज्यादा विश्वास न करें, वरना लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। तर्क बुद्धि और कूटनीति का उपयोग करने से काफी बार बड़ा नुकसानी भी होता है। केतु की दृष्टि यहां होने के वजह से धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म से ज्यादा कर्म को महत्व देते हैं और व्यापार में उतना लाभ नहीं होता जितना होना चाहिए। चेहरे पे मार का निशान हो सकता है और स्वभाव गुस्से वाला देखा गया है। केतु अगर छठवें भाव में हो तो यहां बहुत अच्छा फल देगा, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करेगा, कूटनीति का इस्तेमाल करके एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है, नौकरी के अंदर उच्च पदाधिकारी हो सकता है,
और बहुत संघर्षों का सामना करने वाला व्यक्ति होता है। बेफिजूल में खर्च करने वाला, व्यापार के अंदर बिना सोचे समझे निर्णय ले तो व्यापार में नुकसानी हो सकती है, और कुटुंब की जिम्मेदारियां उठाते उठाते काफी बार बहुत परेशान हो जाता है और कुटुंब के सभ्यों के साथ मतभेद और टकराव बढ़ा देता है। केतु अगर सप्तम भाव में तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा, विवाह में विघ्न करेगा, सगाई तोड़ देना, शादी तोड़ देना, पत्नी के साथ मतभेद टकराव होना, पत्नी बीमार रहे, पत्नी से हमेशा झगड़े होते रहे, द्विभारा योग भी हो सकता है। पार्टनरशिप बिल्कुल ना करे वरना लाखों का नुकसान हो सकता है। ऐसे लोगों के स्वभाव में थोड़ा अभिमानी स्वभाव देखा गया है और नौकरी में उतार चढ़ाव भी देखा गया है। केतु अगर छठे भाव अष्टम भाव में हो तो वाहन से अकस्मात के योग बनते हैं। ऐसे लोग एकांत प्रिय होते हैं, पत्नी से मतभेद टकराव खिटपीट होता है, पेट का ऑपरेशन होने की भी संभावना देखी गई है। लेकिन ये केतु कुछ अच्छा फल भी देगा, अचानक धन लाभ करवाएगा, धन कमाने के लिए विदेश भी भेजेगा। ऐसे लोग धन की बचत करने का बहुत प्रयास करते हैं लेकिन उतना धन की बचत नहीं होती। केतु की दृष्टि यहां होने की वजह से बहुत मेहनत करके धन थोड़ा बचेगा, मकान सुख में देरी हो सकती है। केतु अगर नवम भाव में हो तो अपने गुरु की राशि में, यानी कि तुला राशि का स्वामी कौन है, शुक्राचार्य, शुक्राचार्य की राशि में केतु हो तो बंदा बड़ा चालाक, चतुर, होशियार, कुशलता से कार्य करने वाला और अपने काम को सही अंजाम देने वाला होता है। 38 साल के बाद भाग्योदय होता है, माता पिता से कम बनता है, धर्म से ज्यादा कर्म को मानने वाला होता है, चेहरे पे मार का निशान हो सकता है, छोटे भाई बहनों से मतभेद रह सकता है, पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। केतु अगर दशम भाव में हो तो यहाँ पे उच्च राशि का हो जाता है, व्यापार में अच्छी सफलता और जीरो में से हीरो बनता है, नौकरी करे तो अच्छा पद प्राप्त करता है, व्यापार करे तो व्यापार में ऊंचाइयां प्राप्त करता है, समाज के अंदर मान सम्मान कीर्ति यश जस प्राप्त करता है, एक अच्छा कारीगर बन सकता है। आत्मज्ञानी लोगों की कुंडली में भी देखा गया है, स्पिरिचुअल नॉलेज हो उन लोगों की भी कुंडली में केतु यहाँ पे उच्च का देखा गया है। लेकिन हाँ, मेहनत के हिसाब से उतनी धन की बचत नहीं होती। एक अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कूटनीति का इस्तेमाल करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यशवान, जसवान, सर्वस्व का संपन्न देखे गए हैं। केतु की दृष्टि यहां होने की वजह से कुटुंब के साथ मतभेद, मकान वाहन सुख में देरी और शत्रु पक्ष ज्यादा होता है। केतु अगर 11वें भाव में हो तो यहां पे भी धनु राशि में उच्च का हो जाता है, तो समाज के अंदर मान सम्मान कीर्ति यश जस प्राप्त करते हैं, माँ बाप से धन लाभ हो सकता है, कठिन कार्य हाथ में लेके उसे पूर्ण करते हैं, भाग्यशाली होते हैं, पराक्रमी होते हैं और बहुत ही इमोशनल देखे गए हैं, अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, विद्वान ज्ञानी होते हैं और अपने कुल देवत की पूजा से लाभ होता है। केतु अगर 12वें भाव में बैठा हो तो विपुल धन की प्राप्ति भी करते देखा गया है, मोक्ष योग भी देखा गया है, ज्ञानी देखा गया है, संसारी साधु देखा गया है और आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत सारी प्रगति करते देखा गया है। केतु की दृष्टि यहां होने की वजह से मकान वाहन सुख में देरी हो सकती है, पेट की पीड़ा हो सकती है और केतु की दृष्टि यहां होने की वजह से वाहन अकस्मात के योग बनते हैं या मान हानि के योग बनते हैं। केतु का प्रेडिक्शन करते समय केतु का बलाबल देखना भी आवश्यक है और केतु का षडबल भी देखना आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कुंभ लग्न में केतु का 12 भाव में फल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।